इस मामले में आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ इकाई वालों रोस प्रगट किया गया। उन्होंने जिथे दोषियों को सख्त सज़ा सुना उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। उत्थे ही बादल परिवार दियां बसां दी चंडीगढ़ दे विच एंट्री बंद करने की भी मांग की है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की तरफ से जो मुजाहरा हो रहा है ये उस रोष का प्रगटावा है जो मोगा में जो एक शर्मनाक घटना हुई है जहां 13 साल की बेटी अर्शदीप को कत्ल कर दिया गया, उसको बेइज्जत किया गया, उसकी माता को बस में से फेंक के उनकी कातलाना हमला उन पे किया गया और उसके बाद उसके माता और पिता को थ्रेट करके या 20 लाख रुपए देने का लालच देकर चुप रहने का जो हादसा हुआ है उस अन्याय के खिलाफ आम आदमी पार्टी एकत्रित हुई है और अपने रोष का पट्टावा कर रही है। इसका मेन मकसद है कि जो अर्शदीप के पिता सरदार सुखदेव सिंह की जो डिमांड्स हैं, उनकी माता की जो डिमांड्स हैं, उनको जो जस्टिस मिले, उनको उनका कानूनन जो हक है वो मिले और वो जो अपराधी हैं और उसके बसों के जो मालिक हैं उनकी जो डिमांड है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम उनके हक में यहाँ उनको हौसला देने के लिए खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे वी किते वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।